हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रैक्शन का टॉपिक, लॉज ऑफ मोशन में क्लास 11th में फिजिक्स में हम ये पढ़ते हैं। जब भी कोई बॉडी चलती है, मूव करती है, जैसे मान लीजिए सड़क पे साइकिल चल रही है, या मान लीजिए कहीं पर टेबल रखी है और हम इसको खिसका रहे हैं, तो टेबल और ज़मीन एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है। तो टेबल जिस डायरेक्शन में आगे जा रही है उसकी उल्टी डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो टेबल की मूवमेंट को रोकने की कोशिश करता है, उसे फोर्स ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। इसको डे टू डे में हम महसूस कर सकते हैं। अगर हम साइकिल चलाते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि उल्टी दिशा में हवा जा रही है, मेरे कपड़े पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है इसी को फोर्स ऑफ फ्रैक्शन कहा जाता है। इसके अलावा दो तरीके से जब भी किसी बॉडी में हम फोर्स लगाते हैं, दो तरीके से काम होता है। जो कंपोनेंट लगाए गए फोर्स से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है उसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं, और जो कंपोनेंट लगाए गए फोर्स की पैरेलल डायरेक्शन में होता है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, उसको हम फोर्स ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि जैसे ये बॉडी रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है टेबल पर, और इसमें ये कॉन्टैक्ट फोर्स देखिए दिया है एफ से, यानी हम मान लीजिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इसको हम खिसका रहे हैं, तो यहाँ पर ये एंगल बनाते हुए फोर्स लग रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उसको नॉर्मल फोर्स कहा जाता है, और इसके फोर्स में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स की डायरेक्शन है उसको हम फोर्स ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। अब फोर्स ऑफ फ्रैक्शन जो होता है उसको तीन तरीके का होता है कि मान लीजिए अगर कोई चीज़ रखी हुई है और हमने उस पर फोर्स लगाया, खूब लगाया, लेकिन वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है, यानी जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो जो अप्लाइड फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स से कम है, तभी तो वो सामान नहीं हिला। मतलब हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी वैल्यू कम है। मान लीजिए जैसे कोई बहुत भारी टेबल है, हमने फोर्स लगाया लेकिन इतनी भारी है कि वो मूव ही नहीं कर पा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स उसका ज़्यादा हो गया। तो जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो बॉडी मूव नहीं कर रही तो उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रैक्शन, ठीक। लेकिन फोर्स हमने और बढ़ाया, लगाते गए, कभी एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसके बाद बॉडी थोड़ा सा मूव कर जाती है, तो वो पॉइंट होता है लिमिटिंग फ्रैक्शन। उसके बाद अगर फोर्स लगा और बॉडी आगे चलती चली जाती है तो वो हो जाता है काइनेटिक फ्रैक्शन। तो इस तरीके से तीन तरह से फ्रैक्शन होते हैं, स्टैटिक फ्रैक्शन, लिमिटिंग फ्रैक्शन एंड काइनेटिक फ्रैक्शन। तो डेफिनेशन हो गई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले बिटवीन टू बॉडीज बिफोर वन बॉडी एक्चुअली स्टार्ट्स मूविंग ओवर द अदर इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको FS से हम डिनोट करते हैं। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी जस्ट स्टार्ट्स मूविंग। जैसे ही बॉडी कोई जैसे ही मूव करना स्टार्ट करती है, वो जो मैक्सिमम फोर्स होता है उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहता है। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन को हम डायनेमिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ स्टेडी मोशन। जब कोई बॉडी लगातार चलने लगती है, कहाँ चलती है? ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी, इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको FK से डिनोट किया जाता है। ये आप फिगर देख रहे हो कि पहले हम जब फोर्स लगा रहे हैं बॉडी मूव नहीं कर रही, तो वो भी पूरा स्टैटिक फ्रिक्शन है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉडी थोड़ा सा मूव कर रही है, तो यहाँ पर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये बॉडी मूव करती चली जा रही है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आप ग्राफ में देखिए नीचे जा रही है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। अच्छा, कभी कभी किसी गाड़ी में नीचे पहिए लगे होते हैं, या मान लीजिए कोई आपकी वॉशिंग मशीन है, या मान लीजिए फ्रिज है, उसमें या टेबल के नीचे हम पहिए लगा दें, व्हील्स लगा दें, तो वो बहुत कम फोर्स में बहुत दूर मूव कर जाती है, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। वो काइनेटिक फ्रिक्शन का एक फॉर्म है, बट दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू और भी कम होती है। मतलब जिसमें हमारा बहुत कम फोर्स लगता है उसकी वैल्यू सबसे कम होती है। तो हमारा जो फ्रैक्शन है इसको म्यू से डिनोट करते हैं। तो इस लिमिटिंग फ्रैक्शन की जो वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रैक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, एंड दिस
इज नोन एज कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी तरीके से अगर हम कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना चाहें तो वी कैन फाइंड द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बाय डिवाइडिंग द काइनेटिक फ्रिक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन। सो म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर एंड म्यू के इज इक्वल टू एफ के अपॉन आर। ऑलवेज रिमेंबर दैट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रिक्शन में एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आप जैसा फिगर देख रहे हो, फिगर में आप ध्यान से देखो कि ये एक बॉक्स रखा हुआ है ओ, इसमें पी जो है ये अप्लाइड फोर्स है, मतलब अगर हम पी की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से और बॉडी राइट हैंड साइड में मूव कर रही है, तो पी अप्लाइड फोर्स हो गया, उसकी डायरेक्शन आपकी राइट हैंड साइड पर है, तो जो अप्लाइड फोर्स है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हॉरिजेंटली, तो एफ एस आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और ये बॉडी रखी हुई है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का एफ एस लिखा हुआ है। अब आपका हॉरिजेंटल जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है और इसके जो उसका वर्टिकल डायरेक्शन में हमने आपको बताया था, वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और नीचे W क्यों लिखा है, क्योंकि कोई भी बॉडी रखी हुई है तो उसका अपने मास की वजह से एक वेट का डायरेक्शन होगा जो कि धरती की तरफ जाएगा, इसलिए ये वेट का W डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, यानी जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कह रही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हो गया। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है वो आपका ओसी से डिनोट हो रहा है, ठीक। तो जो एंगल इस ओसी लाइन और ओबी लाइन के बीच में है, यानी द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन है ना, या फिर से सुनो, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन विच इज द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाई टेन थीटा। विद द हेल्प ऑफ दैट टेन थीटा, थीटा के सामने की परपेंडिकुलर लाइन आपकी बी सी है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस आपका ओ बी हो गया, ठीक है। अब ये बी सी लाइन ओ ए के पैरेलल है, तो यहाँ पर BC की जगह हमने OA लिखा और ये आपका OB बेस में हो गया। अब ये OA क्या है, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन और आपका OB क्या है, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ओवर नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, tan theta ऑफ एंगल ऑफ रिएक्शन, एंड दिस tan theta इज ऑल्सो डिनोटेड बाई म्यू एस एंड दिस इज नोन एज कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू tangent of angle of friction and which is equal to the ratio of static friction with the normal reaction। इसके बाद हमारा next topic आता है angle of repose क्या होता है। It is the minimum angle that inclined plane makes with the horizontal when a body placed on it just begins to slide। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, आप यहाँ पे एक figure देखिए कि अभी तक जो हमारा सामान रखा था वो उस horizontal table पर था। अब मान लीजिए किसी हिल पर कोई हमारा सामान रखा है या किसी टेढ़ी चीज इंक्लाइन पर सामान रखा है, तो वो जो है वो हॉरिजेंटल के साथ भी कोई एंगल बना रही है, तो जिस उस पर वो सामान आपका मूव करने लगे तो वो जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिपोज है। दैट मीन्स, फिर से सुनिए, मिनिमम एंगल दैट द इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजेंटल व्हेन अ बॉडी प्लेस्ड ऑन दैट इंक्लाइंड प्लेन बिगन टू स्लाइड, यानी जब कोई बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रखी है और वो सरकना शुरू करे तो वो इंक्लाइंड प्लेन जितना एंगल बनाया हुआ है हॉरिजेंटल के साथ वो एंगल ऑफ रिपोज है। मान लीजिए कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर रखी है तो वो इंक्लाइंड प्लेन तो हॉरिजेंटल के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा, लेकिन वो बॉडी स्लाइड नहीं कर रही है, मूव नहीं कर रही, नीचे की तरफ नहीं जा रही है, तो वो एंगल ऑफ रिपोज नहीं है। लेकिन अगर कोई बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रखी है और वो बॉडी स्लाइड करने लगी नीचे की तरफ, तो इंक्लाइंड प्लेन जितना एंगल हॉरिजेंटल के साथ बनाता है उसे हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। नाउ इसके बाद हमारा आता है एंगल ऑफ रिपोज और अभी हमने आपको बताया कोफिशियंट ऑफ फ्रैक्शन, क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है,
तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, म्यू एस इज इक्वल टू टैन साई, सेम रिलेशनशिप है, ठीक है। दैट मीन्स एंगल ऑफ रिपोज इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रैक्शन।